हेलो स्टूडेंट्स, गाउस के नियम अभी तो गाउस के नियम के अनुसार चल रहे थे हम, जिसके अंदर में लास्ट कर दिया था चालक समरूपावेशी चालक होने के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। ठीक है, इसका लास्ट अनुप्रयोग रह गया था, उसको आज अपने करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपने पास हेडिंग है समरूपावेशी कुचालक गोले या गोलीय कोश। इसी बात के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की आपको गणना है। ठीक है, भूचालक समरूपावेशी भूचालक गोले के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने दिशा देखेंगे कि भूचालक गोला है आपके पास, उसको आपने चार्ज दिया, चार्ज देने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपके पास भूचालक गोला है मान लें, अब इसको आप जो चार्ज दे रहे हो प्लस चार्ज, ये इसके अंदर लाएगा सारा का। ठीक है, आपको पहले ही बताया मैंने कि जब भी आप ऊर्जा को चार्ज देते हो तो इसके अंदर समान रूप से विद्युत हो जाता है लेकिन जब आप किसी चालक को चार्ज देते हो तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से विद्युत हो जाता है, तो इसके अंदर समान रूप से विद्युत हो रहा है। ठीक है, इसका सेंट्रल हो गया। ठीक, अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जैसे वहां की वैसे ही ना होगी, तिरछा ही होगी बाहर की ओर इस तरह से। ठीक है, तिरछा करेंगे जो भी रेडियस बॉल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तिरछा करेंगे। ऊंचाई गोले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, तिरछा ही होती है। ठीक है, जो भी आप रेडियस लोगे उसके अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चालक और कुचालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, तिरछाई होती है, तिरछाई रेडियस के अलावा होती है। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखिए, आप अपने विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए लेके अपने जैसे चालक गोले में बिंदु पी पहले बाहर लिया था, फिर प्रश्न पर लिया था और फिर अंदर, उसी प्रकार से सबसे पहली कंडीशन लेके चलते आपने जब बिंदु पी कुचालक गोले में बाहर से ठीक है, ये मान लो कुचालक गोला है। ठीक है, इसको चार्ज दिया गया है तो इसके अंदर समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, ये इसका सेंटर वो है और इसकी त्रिज्या आपने मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, और इसके बाहर कोई बिंदु पी है जिसकी इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, बिंदु पी पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो इसमें आप कंडीशन है कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा। ठीक है, स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा। तो आपने जानते हैं कि गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, गाउसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ की गणना करते हैं हम। तो अपने इसके लिए बंद पृष्ठ इस आवेश के प्रति संबंधित बंद पृष्ठ क्या हो, किसी का सैकेंद्रित गोला हो, तो आप गाउसियन गोले की कल्पना करोगे, स्मॉल आर तक जाके गाउसियन गोले की कल्पना करो, इसकी क्रिया करनी है स्मॉल आर। तो यह गाउसियन गोला, गाउसियन गोला। ठीक है, स्मॉल आर्मिटर के गाउसिय गोले की कल्पना करते हैं,
अब अपने देखो इसके प्रश्न पर बिंदु पी आ गए। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, क्षेत्रानुपात डीए की कल्पना करें, क्षेत्रानुपात डीए की कल्पना करें और जिसकी डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड, इसको लिखा सकते हैं ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, यही है यानी ऊर्जा का गुणज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है ठीक है। तो अपने निकालते हैं सर कि क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश बी से पारित विद्युत पर क्या होगा डी फाइव ई डॉट डी। देखो ये बाहर है तो इसको ई जीरो मान लेते हैं, अपने आउट ओ मान लेते हैं, ये आउट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गोले के बाहर ठीक है। तो ई ओ डॉट डी है संपूर्ण प्रश्न के लिए क्या हो, संपूर्ण प्रश्न के लिए कितना होगा डी फाइव इंटीग्रेट करते हैं इसको फ्लोर सरफेस ईओ डी फाइव का आंसर क्या हो जाएगा ईओ डी ठीक है। इसको लेकर छोड़ते हैं एक बार को इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ठीक है। अब अपने गॉस का नियम लगाएंगे यार, देखो ये जो आवेश दिया है इसको मान लो क्यू आवेश दिया है ठीक है। अब देखो आए इसका जो आवेश है वो कहाँ है, आयतन के अंदर है, गोले के अंदर समान से तो उसके आयतन आवेश घनत्व होगा रो, आयतन आवेश घनत्व क्या होगा आयतन आवेश घनत्व है ठीक है। देखो पहले जो अपने चाल गोला किया था उसके प्रश्न पर चाल था ठीक है, तो उसमें प्रश्न आवेश घनत्व सिग्मा आया था ठीक है। अब इसके अंदर समान से विपरीत भरा हुआ चाल तो उसमें क्या होगा आयतन आवेश घनत्व होगा और इसको चाल अपने कितना ले रखा है क्यू ले रखा है ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, तो गाउस का नियम लगाएंगे अपने, गाउस के नियमानुसार फाइ क्या होता है कि बंद पृष्ठ कौन सा ये वाला गाउस से बोले इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है क्यू, टोटल चार्ज क्यू दिया हो क्यू और निर्वात की विद्युतीयता एप्सिलॉन जीरो समीकरण नंबर। अब ये भी बंद पृष्ठ के लिए है ये भी बंद पृष्ठ के लिए, तो दोनों की क्या करोगे तुलना करोगे समीकरण एक व दो की तुलना करेंगे कंपैरिजन करोगे तो आपके पास ई जीरो डी ए, ई जीरो डी ए सॉरी इसमें अपने को ई डॉट डी ए इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपने खोले तो कॉस क्या आएगा एक से कॉस बना दो आप, वैसे आपको पता ही है ई डी ए कॉस थीटा कितना है ई और डी ए के बिटवीन एंगल कितना है जीरो डिग्री, तो यहाँ कॉस जीरो कितना होता है वन ही होता है, इसको डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो ई डी ए ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको ओपन हो ई डी ए कॉस थीटा होगा ठीक है, एक्स्ट्रा बढ़ाना तो बढ़ाना है इसको। अपन जानते हैं कि डी ए और ई के बिटवीन एंगल कितना है जीरो डिग्री, और कॉस जीरो कितना होता है वन होता है, तो आपके पास ई डॉट ई डी ए से कर दिया ठीक है। और गाउस के नियम के अनुसार अपने समीकरण एक और दो की तुलना करो ई डी ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू और बॉन्ड में एक्स आएगा जीरो, ई जीरो जो है वो बाहर आएगा डी ए क्यू और बॉन्ड में एक्स आएगा जीरो और डी ए क्या होगा संपूर्ण प्रश्न का क्षेत्रफल, कि संपूर्ण गाउस के प्रश्न का क्षेत्रफल क्या होगा फोर बाई आर से ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखोगे आप ई जीरो इंटू फोर बाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एक्स वायर जीरो ठीक है। अब ई जीरो की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा ये फोर बाई निकल जाएगा फोर बाई आर स्क्वायर एक्स वायर जीरो, इसको आप क्या लिख सकते हो ई जीरो वन अपॉन में फोर बाई एक्स वायर जीरो क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ठीक है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि वन पॉवर में फोर बाई एप्सिलॉन जीरो कितना होता है ये होता है, इसी जगह आप ए रखोगे तो ई ओ कितना हो जाएगा ए क्यू अपॉन में आर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर। अगर आपको याद हो तो चालक गोले के कारण भी एक है ठीक है, चालक गोले के कारण बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसके लिए भी यही आएगा।
ठीक है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो ई जीरो वेक्टर के क्यू अपॉन में आर सी एट आर कैप। ठीक है, जो पॉइंट चार्ज के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बिंदु पी पर तो के क्यू अपॉन में आर सी एट, चालक होने के कारण निकाला तो उसके लिए भी भारी कितना है के क्यू अपॉन में आर सी एट, और कुचालक होने के कारण निकाला तो उसके लिए कितना है के क्यू अपॉन में आर सी एट। आप ये कह सकते हो कि चालक और कुचालक होना किसी तरह वेट कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज की तरह वेट कर रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए अपने आर सी एट निकाला था के क्यू अपॉन आर सी एट, ये आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि E जीरो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यानी याद रखिए आप आर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो E जीरो क्या हो जाएगा, ई ओ क्या होगा कम होगा। ठीक है, ई आर क्या होगा कम होगा, इसको कम करोगे तो ये क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो, वैसे कंबाइन फॉर्म में ग्राफ बनाएंगे, अगर इसका अलग से आप ग्राफ शो करना चाहो तो कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब बात आती है कि इसको अपने यदि आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखें। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको आपको लिखने एक दिया दो दिया इसको तीन दे देते हैं और ये अपने चार होता है और ये पांच। ठीक है, अगर आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, तो समीकरण तीन से देखते हैं हम बाय तीन, यानी जो आयतन आवेश घनत्व के रूप में बिंदु क्षेत्र, या सीधा लिखो समीकरण तीन। समीकरण तीन क्या कहती है हमें, ई ओ इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ साइन जीरो, ये इक्वेशन थ्री। अब यहां से क्यू की वैल्यू पुट करनी होती है आपको, अपन जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व रो क्या होता है क्यू अपॉन में बी। ठीक है, तो अब यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो की वी किसका आयतन है, इस गाउसियन ब्रश का आयतन है, और गाउस ब्रश कैसा है गोलाकार है, गोले का आयतन क्या होता है वो पुट कर दोगे आप, क्यू इज इक्वल टू फोर अपॉन में थ्री रो चार में तीन पाई आर बी क्यू, ये क्यू की वैल्यू आपको यहां पुट कर, तो रो की फॉर्म में आपके पास लाइक एक फिफ्टी वैल्यू का, तो ई ओ बराबर सॉरी ई ओ इंटू फोर पाई आर स्क्वायर क्यू की वैल्यू ये पुट करोगे आप, रो फोर अपॉन में थ्री पाई आर पी क्यू अपॉन में एफ आर एन जीरो। ठीक है, कितनी वैल्यू पुट कर दोगे आप, अब यहां से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो आप, इस फोर से फोर जाएगा और पाई से ये पाई जाएगा, आर स्केयर से ये एक आर, तो आर स्केयर कैंसिल हो गया एक आर बचता है, तो ई कितना आ जाएगा आपके पास, ई ओ रो आर थ्री एफ सेवन जीरो ई आर। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश घनत्व के फॉर्म में आप उसको लिख सकते, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसे एक मिनट देखना गया हो कुछ करते कर दिया, ये जो आयतन आपको लेना है ये लेना आपको आयतन इस गोले का, इसका आयतन लेना आपको इस गोले का आयतन लेना है, क्योंकि इस आयतन के अंदर चार्ज बड़ा होगा। ठीक है, आपने आयतन किसका ले लिया, इस बड़े वाले गोले का ले लिया। ठीक है, आयतन आपको छोटे वाले गोले का लेना, जिसके अंदर चार्ज भरा हुआ उसी का आयतन लो, उसकी त्रिज्या कितनी आपके पास कैपिटल आर है, तो आर की क्यूब भी हो। ठीक है, सो थोड़ा सा आप चेंज करो, ई ओ इंटू फोर पाई आर स्क्वायर रो फोर फोर में थ्री पाई कैपिटल आर की क्यूब आ गया एफ आर एन जीरो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई जीरो आपके पास क्या आएगा, रो कैपिटल आर की क्यूब अपॉन में थ्री आर स्क्वायर एफ साइन जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ। ठीक है, देखो जिस आयतन के अंदर चार्ज पड़ा हो उसी का आयतन लेगा आपको वी। ठीक है,
इस आयतन के साथ बड़ा होगा टोटल, तो यही आयतन हो गया। ठीक है, कितना 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने बाहर प्लस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद में करते हैं इसके प्रश्न पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। तो प्रश्न के लिए आपने आपको यही सब एक बताया हमने, वो क्या था सेकंड आप पहले बना था कि जब बिंदु पी प्रश्न पर, जब प्रश्न पर होगा तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, ये जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, तभी आप उसको प्रश्न पर लाओगे बिंदु पी को, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो आपको जो बाहर निकाला वहां स्मॉल आर के लिए क्या होगा कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो बाहर क्या निकाला आपने बाई 4, तो ई एस सरफेस पे आएगा आपके पास के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां रखना चाहो आवेश घनत्व के रूप में निकालना चाहो तो क्या होगा ई एस इज इक्वल टू रो कैपिटल आर की क्यू 3 आर की स्क्वायर, कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर की एफ स्क्वायर जीरो, आर स्क्वायर से आर एक जाएगा तो ई एस कितना आ जाएगा आपके पास रो कैपिटल आर 3 एफ स्क्वायर जीरो। इस प्रकार से आएगा जब बिंदु पी का हो पृष्ठ हो, अगर तो पूरे रे से करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, नोट्स में आपको पूरे रे से मिलेगा। ठीक है, मैंने शोर में किया कि जब पृष्ठ पर आ जाएगा ये तब आपके पास स्मॉल आर और उसके बराबर हो जाएगी कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आएगा। इसके बाद अपने अंदर लेके जाएंगे इसको बिंदु पी को, जब बिंदु पी अंदर हो ये इंपॉर्टेंट है कि जब बिंदु पी अंदर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो चालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था जीरो, चालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला हुआ जीरो। अब जो पूछा ने बोला है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे हो कितना, उसको मिला और ये आपको ध्यान में रखना है किसने आया इसको सॉरी में रख देते हैं ई जी हाँ ओ है वो कितना आया के क्यू अपॉन में आर के क्यू अपॉन में और इसका जो सेकंड फॉर्मूला जो आया ई होगा वो कौन सा ही है रो आर की क्यूब 3 आर से एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये फॉर्मूला आया इसके, फिर अपने पास ई सरफेस का फॉर्मूला आया है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, और इसका जो दूसरा आयतन घनत्व के रूप में निकाला है वो रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन जीरो, ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब अंदर के लिए आपको फॉर्मूला फाइंड करना। ठीक है, इसे इसको मिला रहा नंबर 3 केस लेंगे हम, जब बिंदु पी कहां गोले के अंदर तब जो स्मॉल आर है वो लेस देन हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, जब बिंदु पी मान लो यहां आ गया, ठीक है बिंदु पी यहां आ गया स्मॉल आर डिस्टेंस हो गई ये कैपिटल आर, तो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है छोटी है। ठीक है, अब इसके लिए अपने क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के अंदर कितना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस का नियम लगाना तो गॉस के गोले की कल्पना करनी पड़ेगी आपको, ये आपके पास स्मॉल आर पता है कि गॉस के गोले की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये तो आप यहाँ पर अपने बिंदु पी पर एक अवकाश लिया डी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है ये, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी क्या है ये है ई है। ठीक है, तो अपने वही का प्रकार की जैसे तो क्षेत्रफल अवकाश, क्षेत्रफल अवकाश डी ए से पाए विद्युत फ्लक्स कितना होगा डी फाई इज इक्वल टू ई इन डॉट डी। संपूर्ण प्रश्न के लिए निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे डी फाई
इन डॉट डी, ठीक है। डी फाइव का तो फाइव होगा ये, इसको ओपन करोगे इन डी ए कॉस थीटा कितना है, ई और डी ए के बिटवीन एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कह क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा। तो फाइव इक्वल टू क्लोज सरफेस है इन डी डी आ गया, ठीक है। आप अपने गॉस का एंगल लगाएंगे, गॉस का एंगल उस आदमी का है, इसको इक्वेशन में कुछ ले लो। आप लास्ट इक्वेशन क्या है, पांच डी के में लास्ट, ठीक है। इसको ले लो आप छह, ले लो इसको सात, ले लो इसको आठ, ले लो। और लास्ट वाली आप इसको दो ही हो पूरा एक ही लाइन से निकल रहा है। अब आपको गॉस का एंगल लगाना, गॉस के कैपिटल आर की क्यू एप्सिलॉन जीरो। अब डी ए जो है वो क्या होगा,
डी इस सरफेस का क्या होता है क्षेत्रफल का, और पूरे का क्या होगा पूरे सरफेस का क्षेत्रफल कितना होगा 4πr2 क्या होगा 4πr2। तो यहाँ डी की जगह रखोगे आप इंटू 4πr2 क्यू स्मॉल आर की क्यू कैपिटल आर की क्यू एप्सिलॉन जीरो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो आप आर स्क्वायर से आर की क्यू में से दो आर चले जाएंगे एक आर हो जाएगा ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा ई क्यू आर 4πε0 आर की कैपिटल आर की क्यू इसको आप और क्या लिख सकते हो इसको आप और क्या लिख सकते हो जो है 1/4πε0 यह निकाल लिया क्यों स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की क्यों क्या निकाल। अब आप जानते हो 1/4πε0 क्या होता है के तो इन इज इक्वल टू के क्यों स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की क्यों ठीक है। इसका मतलब जो इन है वो दूरी के क्या रहेगा प्रोपोर्शनल टू रहेगा दूरी के क्या रहेगा प्रोपोर्शनल टू रहेगा ठीक है। यानी कि यदि आप स्मॉल आर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा स्मॉल आर को कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा क्योंकि स्मॉल आर जैसे जैसे आप कम करते हो वैसे वैसे चार्ज भी कम हो रहा है। जैसे मान लो आर यहाँ करिए तो यहाँ पर चार्ज भी कम होगा चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा कम होगा। अब आर दूरी को आप बढ़ा रहे हो इसके अंदर अंदर तो चार्ज इसके अंदर आयतन में बढ़ रहा है चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूरी के क्या होता है समानुपाती होता है जैसे जैसे आप दूरी को बढ़ाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है इंक्रीज हो ठीक है। इतनी बात समझेगा। अब यदि आपको इसको आयतन के फॉर्म में और निकालना हो तो कैसे निकालोगे तो आपको बताया हमने जो क्यू है वो क्या होता है क्यू इज इक्वल टू रो वी होता है क्यू रो वी। अब आयतन कौन सा रखोगे आप क्यू की वैल्यू कितनी आप आयतन आप ये बड़े बड़े कितना है सर इंटू 4/3π कैपिटल आर की क्यू ठीक है 4/3π कैपिटल आर की क्यू। तो इसमें वैल्यू स्टेटमेंट कौन सी है इसमें रखो गया स्टेटमेंट नंबर 11 क्यू की वैल्यू करके यहाँ रखो अगर वहां से लेना तो वहां से लेना या इक्वेशन नंबर 11 से जहाँ पर तुलना की है इसकी 11 से क्यू की वैल्यू 11 से तो यहाँ तो क्यों की वैल्यू अपने एयर करके कोई कितना आएगा अगर आवेश घनत्व के रूप में आपको निकालना है के का के पढ़ा रहेगा के को आप ये ले लो 1/4πε0 क्यों की वैल्यू को आप रो 4/3π कैपिटल आर की क्यू और साथ में स्मॉल आर बटा में कैपिटल आर की क्यू ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आर की क्यू से आर की क्यू क्या हो जाएगा कैंसल पाई से पाई कैंसल फोर से ये फोर कैंसल बचा गया ई इज इक्वल टू रो अपने पास ऊपर आ और स्मॉल आर ऊपर आ और अपॉन में अपने पास क्या आ एप्सिलॉन जीरो ये हो गया। अगर आपको आयतन आवेश घनत्व के रूप में ये फॉर्मूला से इस प्रकार से निकाल सकते ठीक है और चार्ज के रूप में निकालना है तो आपके पास ये ठीक है। तो इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे अंदर ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। या तो इसका उत्तर रहता है कि कुछ चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना की तो उसके लिए आपको ये देखना होता है कि इस गोले के अंदर चार्ज देखना होता है कितना टोटल में तो चार्ज कितना है क्यों है लेकिन आप इस गौसिय गोले के अंदर इसके अंदर चार्ज देखना ठीक है। इसके अंदर चार्ज के लिए अपने मान लेते हैं कि क्यू डैश चार्ज है। अब आपको क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकाले हम जानते हैं इतने आयतन के अंदर कितना चार्ज पड़ा हो इस पूरे आयतन के अंदर कितना चार्ज पड़ा हो क्यू पड़ा हो यानी कि 4/3π r³ में क्यू चार्ज
और इकाई आयतोमीटर और क्यूब डे बराबर 3/3। आपको कितने आयतोमीटर चाहिए? आपको 20 आयतोमीटर चाहिए। इसका आयतोमीटर कितना है? 4/3 स्मॉल आर की क्यूब, 4/3 स्मॉल आर की क्यूब। इस आयतोमीटर क्या होगा? क्यूब डैश है, क्यूब डैश बराबर कितना है? क्यूब फॉर्म में 4/3 कैपिटल आर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो 4/3 आर। तो आपके पास ये क्यूब डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अपने क्यूब डैश की वैल्यू देखो, तो आपके पास 5 आ जाएगा गॉसियन नियम से। अब इस 5 और इस 5 दोनों में क्या करोगे? कंपैरिजन करो और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करो। और राइट का अभी अंदर रूम में निकालना है तो आपको क्या करना है? क्यूब कितने रहेगा? रो 4/3 कैपिटल आर की क्यूब, ठीक। तो इस प्रकार से अपने पूछा अलग होने का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। अब इसका ग्राफ लेकर के अपने कंबाइंड फॉर्म में, अगर सिंगल का ग्राफ बनाना चाहो इसका आप आर के क्या है समानुपाती है, इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा कि मूल बिंदु एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूल बिंदु जाते हुए एक सर रेखा। कंबाइंड फॉर्म में ग्राफ आते हैं, मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में ग्राफ दिया जाता है इसका, तो वो अपने देखते हैं कैसा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा, ठीक है। यहां पर एक गोला बनाओ, पूछा अंदर गोला है, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसकी बाउंड्री, यहां स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर। अब जो अंदर चार्ज होगा वो कैसा है, किस प्रकार से है? जो अंदर चार्ज है इन वो प्रोपोर्शनल टू इट्स स्मॉल आर है, और जो बाहर है वो कितना है? प्रोपोर्शनल टू है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर। और जो प्रश्न पर है वो क्या है? कांस्टेंट है, केवी और कोण में आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। तो आप पहले अंदर देखो, अंदर क्या समानुपाती है? समानुपाती का क्या ग्राफ होता है? मूल बिंदु से जाती हुई एक सीधी रेखा, ये मान लेते हैं सीधी रेखा, ठीक है। ये भी मान लो आप मूल बिंदु जाती हुई एक सीधी रेखा, ठीक है। जो प्रश्न पर है प्रश्न को कौन से रहे हैं, उसके बाद किस प्रकार से चेंज होगा? जैसे आप बाहर लोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको आप किस प्रकार से चेंज करोगे? इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास ग्राफ आ रहा है, आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जो इन है वो समान पाती है आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जो इन है समान पाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा उसी के साथ, ठीक है। तो ये आपके अनुप्रयोग आज कंप्लीट हो गए गॉस के नियम के। अब इसके बाद 3 टॉपिक और बचते हैं अपने इस लेसन के, ठीक है, वो अलग है। तो कल अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस लेसन का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।